तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप के सिक्स पैक ऐप वाला फ़ोटो एडिट करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से, जो कुछ इस टाइप का होगा। दोस्तों आप कैसे बहुत ही आसानी से कुछ इस टाइप के सिक्स पैक ऐप वाला फ़ोटो एडिट करेंगे, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले फ़ोटो को हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में लेके जाएंगे और यहाँ से हम ऐड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों, उस फोटो को हम सबसे पहले जो PNG सिक्स पैक ऐप वाला जो PNG है उसको हम यहाँ से ऐड करेंगे। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ये PNG कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों यहाँ से हम आउटलाइन का एक ऑप्शन दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और जो इसका मतलब साइड वाला जो वाइट वाइट कलर का जो इसमें है उसको हम कट कर लेंगे। बस अपना जो ये बॉडी है सिक्स पैक ऐप वाला, उसको हम यहाँ से कट आउट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से वो जो टिक दे रहा है ऊपर, वहाँ से क्लिक करके और इसको अपने पेट पे अच्छे से सिक्स पैक ऐप को सेट करेंगे। दोस्तों आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा, वरना जो आपका सिक्स पैक ऐप वाला जो फ़ोटो आप एडिट करेंगे उसका रियल लुक नहीं आएगा। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से इसको हम सेट करेंगे ताकि देखने में बिल्कुल रियल लुक दे दोस्तों, फेक ना लगे। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिएगा अपने बॉडी पे, अपने बॉडी के हिसाब से जैसे टेढ़ा मेढ़ा है उसको वहाँ से क्रॉस करके, और जो बाहरी वाला जो इसका पर्सन है जो वाइट वाइट कलर का अभी बचा हुआ है उसको हम हल्का हल्का मिटाएंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारे बॉडी के साथ जो ये सिक्स पैक ऐप वाला जो PNG है वो मैच कर लें। इसको हम साइड से थोड़ा थोड़ा मिटा देंगे, ऐसे रखेंगे तो ये तो ऐसे नॉर्मली लगेगा कि हाँ ये फेक है, कोई देखते ही समझ जाएगा, लेकिन साइड से इसको हम बिल्कुल जूम करके अच्छे से मिटा देंगे, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, ताकि हमारे बॉडी के साथ ये घुल मिल जाए। दोस्तों इतना सब करने के बाद से आप देख सकते हैं, इतना करने के बाद से हम फिर से यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ से जो एक एडजस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ से हम अपने मतलब बॉडी के कलर के हिसाब से जो PNG है उसको मैच कराएंगे। इसके ब्राइटनेस को माइनस करेंगे और सेचुरेशन को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, और दोस्तों यहाँ और जो कंट्रास्ट है इसको हम माइनस में थोड़ा सा, इसको भी हम माइनस में करेंगे, ज़्यादा नहीं, आप स्क्रीन पे देख लीजिए मैं कितना कर रहा हूँ, इतना इसको माइनस तक इतना इसको कर देंगे। दोस्तों इतना सब करने के बाद से हम यहाँ पर और कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ से सिंपली इसको टिक कर देंगे और यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे और इस फोटो को हम यहाँ से Lightroom एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर देंगे। Lightroom एप्लीकेशन में आने के बाद से दोस्तों सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद से दोस्तों इसमें जो मिक्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे और जो ग्रीन वाला है इसको चूज करके जिसका ह्यू है इसको हम माइनस में 100 कर देंगे। बाद से दोस्तों जो येलो कलर वाला है इसके ह्यू को हम माइनस में ना करके प्लस में करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इतना, और इसके सेचुरेशन को भी हम प्लस में करेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद से दोस्तों हम फोटो में और कुछ ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे दोस्तों, अब इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे। दोस्तों इसको हम एक बार अपने फाइल में सेव कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से सेव टू डिवाइस कर देंगे और सेव करने के बाद से दोस्तों फिर से हम इसी फ़ोटो को Lightroom एप्लीकेशन में इम्पोर्ट करेंगे ताकि जो इसका कलर है कुछ हटके हम बना सकें। दोस्तों तो ये हमारा फ़ोटो फिर से Lightroom एप्लीकेशन में आ चुका है और इसे हम फिर से इसमें जो कलर वाला नीचे ऑप्शन दे रहा होगा कलर का, उसमें हम कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसके यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद से फिर से मिक्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और जो येलो कलर वाला कलर है दोस्तों, येलो वाला तीसरा वाला, उसको चूज करेंगे और इसके व्यू को -100 कर देंगे और सेचुरेशन को -14 तक कर देंगे। और उसके बाद से दोस्तों जो ये ग्रीन वाला है इसका आपसे व्यू और सेचुरेशन दोनों माइनस में कर देंगे और थोड़ा सा इसका लुमिनेंस को बढ़ा देंगे और जो येलो कलर वाला है इसके भी लुमिनेंस को बढ़ा देंगे। दोस्तों इतना करने के बाद से दोस्तों ये जो सेकेंड वाला कलर है जो हमारे फेस का कलर है इसके सेचुरेशन को हम माइनस कर देंगे और लुमिनेंस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हमारा चेहरा और बॉडी थोड़ा गोरा हो जाए। दोस्तों इतना सब करने के बाद से हम यहाँ से उसे ऊपर से डन कर देंगे दोस्तों, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसे हम ऊपर से यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद से नीचे आएंगे और जो यहाँ पे वाइब्रेंस का ऑप्शन दे रहा है इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आइए जो ये थी इफेक्ट वाला ऑप्शन है, इसमें हम
कुछ कर भी सकते हैं, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से देख लीजिएगा, शूट करें तो आप कर सकते हैं। थोड़ा इसमें बिगनेट और डिजिट को छेड़छाड़ कर देंगे, और डिटेल वाले में थोड़ा ज़रूरी है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए। शार्पिन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और जो इसका डिटेल है इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों। इतना सब करने के बाद से फ़ोटो को हम यहाँ से शेयर कर लेंगे सीधे स्नैपसीड एप्लीकेशन में दोस्तों। यहाँ से हम इस फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं दोस्तों। स्नैपसीड एप्लीकेशन में आने के बाद से जो टूल्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और सेलेक्टिव टूल्स को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम अपने बॉडी को सेलेक्ट कर करके थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, ताकि और बॉडी हमारी गोरी हो जाए दोस्तों। बिल्कुल आप अच्छे से इसको सेलेक्ट कीजिएगा अपने फेस के और बॉडी के हिसाब से कि कैसा आपको क्या इसमें क्या करना है। थोड़ा सेचुरेशन, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, ये नॉर्मली चीज़ें होती है, आपको पता होगा। उसके बाद से दोस्तों हम अच्छे से पूरे अपने बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से फ़ोटो को शेयर कर देंगे, और यहाँ से हम फोटो को डायरेक्ट शेयर करेंगे दोस्तों ऑटोडेस्क एक्सकेच एप्लीकेशन में दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑटोडेस्क एक्सकेचबुक में हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ से हम अपने फेस का जो स्मूथ है ब्रश चला के अपने फेस को अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा स्मूथ करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम ए वाले ब्रश को चूज करेंगे, और इसकी सेटिंग कुछ ऐसे रखेंगे, आप देख सकते हैं, अपने साइज को अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम अपने फेस पे बिल्कुल आराम आराम से, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, वरना सब इधर का उधर लिपअप होता जाएगा, तो फिर आपका फेस अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। बिल्कुल अच्छे से जूम करके इसकी साइज को छोटा बड़ा आप जैसे आपको करना हो करके, और बिल्कुल अच्छे से इसको स्मूथ करेंगे दोस्तों आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आपका सारा मेहनत अभी तक जो आप किए हैं सब बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आराम आराम से ब्रश को चलाइए, ताकि बिल्कुल अच्छे से आपका जो फेस है, बॉडी है, अच्छे से स्मूथ हो जाए दोस्तों। चलिए मैं फटाफट वीडियो अपने फेस को और अपने बॉडी को स्मूथ कर लेता हूँ, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको फाइनल में क्या करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी फ़ोटो बिल्कुल अच्छे से हमने अपने बॉडी पे ब्रश को चला के स्मूथ कर लिया है दोस्तों, और यहाँ से हम कुछ और नहीं करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से फ़ोटो को डायरेक्ट सेव कर लेंगे अपने फ़ोन में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।